तो दोस्त, अगर आप लोग योनो SBI और योनो SBI लाइट एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको योनो लाइट SBI एप्लीकेशन में एक न्यू फीचर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो यह नया फीचर नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग इस फीचर के बारे में नहीं जानते, जिस वजह से बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि योनो लाइट SBI का ही एक फीचर है, जिसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कहाँ पर और कैसे यूज करना है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, सुमित टॉपिक एवरीवेयर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग ऐप से रिलेटेड और साथ ही काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई श्रम कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। सो अगर आपको घर बैठे खाता खोलना हो, किसी भी बैंक में KYC करवाना हो, या फिर पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाना हो, या फिर उसमें त्रुटियां हैं उसे सुधार करवाना हो, तो इन सारे चीज़ों का प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिएगा। बात करते हैं मेन पॉइंट की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग योनो लाइट SBI एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा सर्विसेज, ये रहा, सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब इसी ऑप्शन की रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे यूज करना है। ओके, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से तीन ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, व्यू या कैंसिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना होगा। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने सेम अकाउंट में RD अकाउंट ओपन करवा रखा होगा, या फिर PPF अकाउंट ओपन करवा रखा होगा, या फिर कुछ ऐसे अकाउंट होल्डर्स होंगे जिनको आप हर महीने एक लिमिट, चाहे 500 हो, 5000 हो या फिर 50000 हो, हर महीने उनको पैसे भेजना ही पड़ता होगा, तो उस सिचुएशन में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यों कर सकते हैं सो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, होता क्या है कि आपको मान लो हर महीने के 5 तारीख को या फिर हर महीने के 1 तारीख को किसी को पैसे भेजना होता है, लेकिन कई बार कई महीने आप भूल जाते हैं कि भाई इस महीने भी मुझे पैसे भेजना था, तो आप उस सिचुएशन में पैसे नहीं भेज पाते हैं उस कस्टमर को, उस बंदे को, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो भाई आप पैसा भूल जाइए भेजना या फिर कहीं पर जाके सो जाइए, कोई बात नहीं, आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक कट जाएंगे और जिनको आप हर महीने भेजते होंगे उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा। ओके, यही है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके अकाउंट से डेबिट होकर के और उनके अकाउंट में चला जाएगा पैसा जिनको आप सेलेक्ट कर देंगे अभी। यहाँ पर देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक कीजिए, क्रिएट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से आपको तीन ऑप्शन आएंगे, सेल्फ अकाउंट, अदर SBI अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट। अगर आप खुद के ही अकाउंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, PPF अकाउंट है, RD अकाउंट है, तो RD अकाउंट में हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अदर SBI अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो आप अदर SBI अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपने जितने भी बेनिफिशियरी को, ठीक है, ऐड कर रखा होगा इंटरनेट बैंकिंग में, सारे के सारे बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपल, आपको जिसको भी हर महीने पैसे भेजना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद अमाउंट टू बी ट्रांसफर, ये सारा प्रोसेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से किसी भी बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे भेज सकते हैं, मतलब किस इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं कि इस खाते में हर महीने इस डेट को पैसा चला जाना चाहिए। ओके, या फिर अदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आप दूसरे बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बेनिफिशियरी को ऐड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मान लो अगर आपको सेल्फ अकाउंट में पैसे भेजना है RD में या फिर PPF अकाउंट में, तो आप क्या कीजिएगा, सेल्फ अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट पर क्लिक करना है। ओके, तो इस पर आप क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट का नाम, ठीक है, और उनका अकाउंट नंबर दिख जाएगा जिस अकाउंट में हर महीने पैसे डेबिट होंगे। अब नीचे आ जाइए,
यहाँ पर आपको क्या करना है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड वाले सेक्शन में जितना भी रुपया आप हर महीने देना चाहते हैं अगले बंदे को उतना आप सेट कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 500 रुपये। उसके बाद रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, हेलो हाय जो भी है आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने इनपुट कर दिया। उसके बाद देखिए यहीं पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, पे नाउ, शेड्यूल लेटर और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। मतलब कि आप डेली या फिर मंथली, डेली पैसे भेजना चाहते हैं या फिर मंथली बेसिस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डेली सेलेक्ट करेंगे तो डेली 500 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट होकर के उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद शेड्यूल पेमेंट एवरेज सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद यहाँ पर 1 month, 2 month, 3 month, यानी कि कितने महीने तक आप पैसे जमा करना चाहते हैं अगले बंदे के अकाउंट में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 6 महीने का है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 6 महीना सेलेक्ट हुआ है, मतलब कि हर महीने 6 महीने तक 500 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और अगले बंदे के अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर इंटर नंबर ऑफ पेमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पूछा गया है कि कितने मंथ तक आप जमा करना चाहते हैं, तो आप 10, 5 जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 12 महीने सेलेक्ट कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस तारीख से डेबिट होना चाहिए पैसा आपका। तो कैलेंडर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आज 1 मार्च है और मैं यहाँ पर 5 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके, तो देखिए 5 मार्च से स्टार्ट होगा मेरे अकाउंट से डेबिट होना पैसा 500 रुपया। ओके, और 12 महीने तक चलता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दूँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप अपने अकाउंट में इस डेट को, यानी कि 5 तारीख जो आपने हर महीने सेलेक्ट किया है, इन 4 से 5 तारीख के बीच अगर 500 रुपये अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं, किसी भी रीजनवश अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल्योर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जितने महीने आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल्योर हो जाएगा उतने महीने आपको 25-25 रुपये अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको 25 रुपये पेनाल्टी पे करना होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट, अनेबल टू प्रोसेस आ रहा है किसी भी रीजन बस। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिव्यू पेज आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो सब कुछ सही है या फिर नहीं। ओके, उसके बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो नीचे में आपको कैंसिल और सबमिट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है सबमिट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके कंफर्म कर देना है। और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्क्रीनशॉट, इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का जो फीचर था वो एक्टिवेट हो चुका है इस अकाउंट पर, और इस अकाउंट पर हर महीने इतने रुपये जितना आपने सेट कर रखा होगा इतना रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा हर महीने और इतने महीने तक। आप सो जाइए, कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको योनो SBI, योनो लाइट और इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है क्लिक कर दीजिए और शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस फीचर का इस्तेमाल कर पाए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।